नमस्कार, मैं सोनी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। संकल्प के यूट्यूब चैनल पर हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम है संवाद। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हमारा देश धर्म प्रधान देश है, विभिन्न उत्सवों में यहाँ देवियों की पूजा होती है, स्त्रियों को देवियों के विभिन्न रूपों में देखा जाता है। बावजूद इसके समाज की स्त्रियों के प्रति क्या मानसिकता है, क्या सोच है, हमसे छिपी नहीं है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरे देश में उत्सव का माहौल होगा, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा, पर क्या स्त्रियों के प्रति हमारे समाज की सोच बदली है? इस पुरुष प्रधान देश में स्त्रियां कितनी स्वतंत्र है, उन्हें कितनी आजादी मिली है, इन्हीं सारे विषयों पर आज संवाद के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संवाद की आज की विशेष मेहमान हैं स्मृति जी, और हमारा सहयोग करेंगी ट्विंकल गुप्ता। नमस्ते, मैं हूँ ट्विंकल गुप्ता। आप सबको मैं बता दूं कि स्मृति जी प्रचुर कला गांव की एक प्रधान है और एक युवा समाज सेवी है। सामाजिक कार्यों में इनकी विशेष अभिरुचि है, इसके साथ ही समाज के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इनके सराहनीय कार्यों के लिए सरकार ने इन्हें बहुत सारे अवार्ड व पुरस्कार भी दिए हैं। तो आइए संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है कि आपने इतनी पढ़ाई के बावजूद नौकरी को प्राथमिकता न देते हुए सामाजिक कार्य ही क्यों चुना, जबकि हम देखते हैं कि आज के दौर में राजनीति के प्रति लोगों की क्या सोच है, क्या मानसिकता है, तो राजनीति ही क्यों? सबसे पहले जो प्रणाम है स्मृति सिंह रचनकला प्रधान और संकल्प के यूट्यूब कार्यक्रम संवाद में आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दो महिला शक्ति जो मेरे आसपास बैठी हुई है उनके द्वारा मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आशीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आपका सवाल ये है कि मैंने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ करके राजनीति में या समाज कार्य को क्यों चुना? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पहले से ही मेरे घर में मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये रहा हुआ है कि मेरे घर में पहले से ही जो है समाज के कार्य करते हुए आए हैं सभी लोग, और उनको देख के मैं प्रेरित होती थी। अपने बाबा को तो मैंने नहीं देखा, बट उनका नाम मैंने काफी सुना था कि वो ऐसे थे, वो ऐसे कार्य करते थे। और अपने पिता का भी कार्य प्रणाली मैंने देखा, तो राजनीति में रहते हुए भी सामाजिक कार्यों में बहुत अभिरुचि रखते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इस चीज के लिए मुझे प्रेरित करता रहा कि मैं जो हूँ समाज कार्य को चुनूं। तो ये सारी चीजें थी, क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी और काफी अच्छी जॉब करती थी, उसको छोड़ने का केवल एक रीजन ये भी रहा कि मैं जो हूँ एक लेबर की भांति सुबह में 9 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक वर्क करती थी। किसी की लाइफ उस समय मीनिंगफुल मुझे नहीं लगती थी कि मैं किसी के लाइफ में इम्पैक्ट डाल पा रही हूँ, कोई प्रभावशील नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं आती हूँ 9 से लेकर के 5 बजे तक वर्क करती हूँ, कोई इसका कुछ अच्छा मैसेज नहीं जाता है, तो क्यों ना किसी की लाइफ बदली जाए। ये सोच करके जब मैं गाँव आई और गाँव आने के बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने 12th लेवल के स्टैंडर्ड के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा दी, काफी अच्छा मैं एजुकेशन का फील्ड मेरा चुकी रहा हुआ है, तो मैंने उन्हें काफी शिक्षा दी। उसी टाइम जो है लोकल पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो लोगों ने मुझसे इंसिस्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इतना अच्छा बेहतर वर्क करती हो, अगर आपके पास पोस्ट आ जाएगी तो आप शायद और बेहतर कर पाओगे। तो चूंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड भी सोशल और पॉलिटिकल रहा हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो मेरे पापा और बाबा का जो चला रहा था वो जो सिस्टम, उसको मैंने अपने हाथ में लिया और उनका जो सारा वो चीज था मैंने उसको लुक आफ्टर किया, उसको मैंने जो है राजनीति चुना। और राजनीति में मैं काफी बेहतर वर्क कर लिया मैंने, लेकिन मुझे था कि मुझे और बेहतर वर्क करना है, तो उसको राजनीति करते हुए भी मैंने जो है राजनीति को राजनीति में बदलना जरा जरूरी समझा। स्मृति जी, एक महिला को सामाजिक कार्य में सामाजिक क्षेत्र में काम करते वक्त किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि महिला जो है गर्भ के बाद से जब उसकी आंखें खुलती हैं तभी से बहुत जद्दोजहद होती है। कोई उसे मारने की सोचता है, कोई उसे मोशने की सोचता है, वो समाज में सिक्योर नहीं हो पाती, वो अपने घर में ही सिक्योर नहीं है, बाहर की तो मैं बात ही
करना भूल जाऊं। तो महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि महिला इतनी सशक्त होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा कि वो जो है एक जननी है, तो जो जननी है जो चीजें अंकुरित करने का जिसके में कैलेबर है, जो कर सकती है, वो महिला अपने आने वाली जितनी भी कठिनाई है उनका बहुत अच्छे तरीके से सामना भी कर लेती है और दुर्गा जो है काली का रूप बन जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका सामना, मैं भी चूंकि महिला हूँ मुझे भी बहुत सारी कठिनाइयां आई, बट कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज सोचा कि हाँ मुझे करना है और मैं ही करूंगी और मिट्टी को करना होगा, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है इनको भूल करके मैं आगे प्रोसीड हो रही हूँ। हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि समाज बदल रहा है, लड़कियां स्वावलंबी बन रही हैं, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो आप इस बदलाव को कितना महसूस करती हैं? बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि चेंज ही जो है संसार का नियम है, तो चेंज काफी आया है, महिलाएं भी काफी आगे बढ़ी हुई हैं। मैं देखती हूँ कि अपने आसपास में, तो आप ही दो लोगों को देख रही हूँ, शायद मैं इससे 10 साल पहले आती तो शायद आप लोग मुझे नहीं मिलते, लेकिन चेंज आया है, तभी यही रीजन है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठे हो, मुझे मेरे यहाँ की जनता ने अपना जनप्रतिनिधि बनाया, तभी तो चेंज तो आया। लेकिन यही चीजें हैं कि चेंज अच्छे भी आए बुरे भी आए, कहीं कहीं पे महिलाएं जो है बुटली उनको इंजर्ड किया गया, बहुत सारी चीजें, लेकिन कहीं कहीं पे महिलाएं जो है आज जो है फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो दोनों तरीके की चेंजेस आए हुए हैं। स्मृति जी, आप गांव और शहर दोनों जगह रही हैं, तो क्या ग्रामीण महिलाओं के सामने भी वही समस्याएं हैं जो शहरी महिलाओं के सामने हैं? नहीं, मेरा हिसाब, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैं ग्रामीण महिलाओं को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा और शहरी महिलाओं को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा, जहां तक मुझे लगता है कि जो शहरी महिलाएं हैं वो उनका एजुकेशन लेवल काफी हायर है और उन्हें सारी जो चीजें हैं उनको प्रोवाइड होती हैं, उनको अच्छा सोसाइटी मिल जाता है। गांव की महिलाओं में कहीं ना कहीं शिक्षा की काफी कमी रही है, लेकिन जहां तक मैं देखती हूँ कि ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं वो काफी सशक्त है। सशक्त कहने का मतलब मेरा ये है कि वो जो है सुबह से शाम जो है घरेलू महिला बन के नहीं रहती, वो जो है किसी के लैंड में जा करके कटिया भी करती हैं, रुकनी भी करती हैं, सोनी भी करती हैं, खेत भी जुतवाती हैं, बोवाती भी हैं, ये सारी चीजें मैंने उनमें देखी और वो उससे अर्न करती हैं, अर्न करने के बाद वो अपने पुत्र अपने पति वो दोनों का जो है भरण पोषण भी करती हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रामीण अंचल की महिलाएं जो है काफी सशक्त है। अदर ये चीजें है कि उनका एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस आया है। आप महिलाओं को सैनिटरी, महिलाओं में सैनिटरी पैड का वितरण करती है, उन्हें मासिक धर्म के प्रति जागरूक करती है, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि हम देखते हैं कि इस विषय पर लोग बात करने में भी झिझकते हैं? सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं भी जब इस मुहिम को चला रही थी तो मुझे भी थोड़ी बहुत परेशानियां हुई, मुझे भी लगता था कि पुरुष जो है मेरे साथ है तो मैं उसके सामने हूँ, महिलाओं से किस तरीके से इस विषय पे बात करूंगी जिस विषय पे लोग बात ही नहीं करना चाहते। मैंने कब देखा तो महिलाएं जो थी पहली बार जब बात करती थी मैं उनसे इंटरेक्शन होता था तो वो भी जो है अपना मुंह जो है ढक लेती थी, मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी, मैं जहां जाती थी वहां से हट जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनके में अवेयरनेस आया कि ये चीजें तो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ये चीजें हमारी ही मातृत्व को दर्शाती हैं, तो ये चीज जो है हमें तो वरदान के रूप में मिली है, जो वरदान है उसको अभिशाप के रूप में हम क्यों देखें। तो ये सारी चीजें उनको जब लगी कि हाँ ऐसी चीजें हैं तो वो खुल के उसमें बात भी करने लगी, धीरे धीरे मुझसे वो सारी चीजें मांगने भी लगी और दिक्कत तो सैनिटरी पैड वाले में काफी मुझे आई। और मुझे ये लगता है कि जितने भी पुरुष लोग मुझे देख रहे हैं मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मैं चाहती हूँ इस मुहिम में ही फॉर शी बन जाए, क्योंकि शी फॉर शी तो है, एक महिला को काफी अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन एक जो पुरुष है वो अपनी माँ अपनी बहन और अपनी बेटी को ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, शायद इस पे खुल के बात करेगा तो उनमें जो है इस तरीके की हेजिटेशन अपने आप समाप्त हो जाएगी और महिलाएं मुखर हो पाएंगी इस चीज को लेकर के। स्मृति जी, जो लड़कियां पढ़ाई लिखाई करके नौकरी सामाजिक या अन्य पेशे में आना चाहती है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
जो भी लड़कियां इस हमारे मेरे पेशे में आना चाहती हैं उनका स्वागत है। उनका यही है कि हर एक पेशे में, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, दिक्कतें आती हैं। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें दिक्कतें ना आती हो। बस इतना है कि आपने जो टारगेट अपना फिक्स किया है, आपको जो भी बनना है, एक टारगेट फिक्स करें और उसमें आगे बढ़ते रहें। थोड़ी बहुत जो है असफलता आपको जरूर मिलेगी, पर यही सोचें कि मुझे ही करना है, मैं कर लूंगी, मैं कर पाऊंगी, मुझे ही करना होगा। शायद इस तरीके की अगर आप मानसिकता रख करके आगे बढ़ते हैं तो आपको अपना गोल जरूर ही अचीव हो जाएगा। इस पुरुष प्रधान देश में एक स्त्री के प्रति एक पुरुष की क्या मानसिकता होनी चाहिए? पुरुष समाज देश मैं नहीं कह सकती इसे, क्योंकि हमारा जो देश है आधी आबादी का देश है, यहाँ पे महिला भी उतनी ही है जितने पुरुष हैं। तो फिर हम महिला प्रधान देश क्यों नहीं कहते हैं अपने देश को, जहाँ पे महिलाएं जो है महिलाओं का रूप पूजा जाता है, जहाँ नौ दिन तक हम दुर्गा की उपासना करते हैं, काली को पूजते हैं। तो उस जगह पे हम इसे महिला प्रधान देश कहें, और पुरुष प्रधान देश तो बहुत पुरानी चीज रह गई है। और आज के हर एक फील्ड में जो है महिला जो है आगे आ चुकी है, तो पुरुष प्रधान देश नहीं है। और पुरुषों को मैं यही चीज कहूंगी कि महिलाएं जितनी भी आगे आपकी हैं उनको प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें। और महिला को केवल एक पुश की जरूरत होती है, अगर उन्हें वो पुश मिल जाए तो वो शायद हर एक चीज ग्रैब कर पाएंगी। स्त्री स्वतंत्रता के बारे में आप क्या सोचती हैं और आप स्त्री स्वतंत्रता को किस दृष्टि से देखती हैं? स्त्री स्वतंत्रता, हाँ, यहाँ ये चीज है कि स्त्री स्वतंत्र कितनी है, हर एक चीज कितना अपना डिसीजन ले सकती है। तो डिसीजन मेकिंग बारे में मैं जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आज भी जो है पुरुष ही कहीं ना कहीं हर जगह महिलाओं के लिए डिसीजन मेकर बनता है। इसलिए बनता है कि उसको ये लगता है कि मेरे घर की लड़की, मेरे घर की महिला जो है इनसिक्योर है, मैं उसकी सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा लूं। और जो है पुरुष जो है इस चीज को समझता है कि महिला अपने हिसाब से शायद अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगी और इनसिक्योर रहेगी। इसलिए जो है पुरुष काफी हद तक महिलाओं के ऊपर हावी रहता है कि शायद वो गलत है, शायद वो सही से नहीं, क्योंकि वो समाज ज्यादा देखा रहता है, महिलाओं से ज्यादा बाहर जाता है, उसने बाहर के समाज को काफी देखा रहता है, मानू को देखता रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हाल ही में आपने महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना कारगर साबित होगा? कार्यशाला जो सेल्फ डिफेंस की मैंने की थी वो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए की थी, ताकि जो है वो अपनी, अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जबकि वो घिर जाए किसी से, तो वो अपनी आत्मसुरक्षा स्वयं कर ले। और मैं कहीं ना कहीं सरकार को ये भी कहती हूँ कि जैसे आदमी हिंदी इंग्लिश इन सब चीजों की पढ़ाई कंपनसेट कर देता है, उसी तरीके से जो है सेल्फ डिफेंस की भी क्लासेस जो है फर्स्ट लेवल से ही शुरू करके उनको एटलीस्ट 12th लेवल तक कम से कम बच्चियों को जरूर सिखाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो है वो अपने लिए अपनी रक्षा कर सके, इन केस जब उनके भाई, उनके पिता उनके साथ ना हो। लेकिन ये चीजें हैं कि उसको हम मानसिकता से भी जोड़ सकते हैं कि आत्मसुरक्षा की जो चीजें हैं हमारे लिए थोड़े देर के लिए तो ठीक है कि हमने उन ट्रिक्स को सीखा है, हम उन ट्रिक्स से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन आखिर कितने दिन तक, ये भी एक सवाल है कि हम उन ट्रिक्स से कितने लोगों से बच सकते हैं। क्या अगर बहुत सारे लड़के अगर मुझे घेर लेते हैं तो क्या उन ट्रिक्स से मैं बच सकती हूँ? ये एक सवाल तो है, कहीं ना कहीं है समाज को बदलने की भी, साथ साथ उस आत्म सुरक्षा ट्रेनिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं समाज को भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारी बच्चियां उन ट्रिक्स को लेते हुए थोड़ा बहुत तो अपने आप को सिक्योर कर ले, प्लस समाज भी उनको सिक्योरिटी का पूरा पूरा जो है जिम्मेदारी वहन कर सके। समाज को बदल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, न्यूज़पेपर मीडिया में ये खबरें आए दिन आती रहती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि जो जितने भी रेप होते हैं, मैंने तो देखा बहुत सारी चीजों में कि छोटी छोटी बच्चियां जो पैदा होती हैं लगभग एक दिन की, वन मंथ की, उनके संग भी ब्रूटली रेप होता है, बहुत जघन्य तरीके से, उसको हम बयान नहीं कर सकते उस तरीके से रेप होता है। तो वो जो आदमी उनका रेप करता है वो ये मानसिकता उसकी इतनी ज्यादा खराब होती है, और उस मानसिकता को कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। समाज बदल तो रहा है,
पर पूरी तरीके से हम आप सभी लोग शासन प्रशासन मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार उस चीज की हूँ कि हमारे आसपास ऐसी सारी चीजें घटना होती है और मैं मुंह पर चुप्पी बांधे रहती हूँ अगर किसी के साथ में इस तरीके की घटना हो रही है तो। मैं स्वयं महिला हूँ, मैं महिला होने के नाते उस दर्द को समझूं और उस लड़की का उस महिला का उतना ही साथ दूं। तो बलात्कार जो है मानसिकता और समाज को बदलने के साथ साथ ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे गांव की बेटी जो है हमारी बेटी है, गांव की बहन जो है हमारी बहन है, ये मानसिकता को फिर से जो है जीवित करना होगा तभी जाके लड़कियां बच्चियां सेफ रह पाएंगी अपने समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आप हमारे समाज के इस कार्यक्रम में आई। तो आज के इस बातचीत में सबसे बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर लड़कियों को आगे बढ़ना है तो वो अपने संघर्ष के बलबूते पर ही आगे बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, लड़कियों के प्रति अभी भी हमारे समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है और हमें अगर बेहतर समाज का निर्माण करना है तो हम पुरुष और स्त्रियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हम लोग एक दूसरे को लेकर ही आगे चल सकते हैं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई।